एनीवेज लेट मी ट्राई टू सिंपलीफाई दिस। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सिंपल तरीके से समझते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि बिकॉज इफ यू हैव नो आइडिया ऑफ रिकर्शन देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? आई एम ट्राइंग टू कीप ए बैलेंस, बट इट्स वेरी टफ व्हेन यू डोंट नो द सी इश्यूज एंड ऑल। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है जिसे आपने मरी सॉर्ट बोला है। इसमें पहला चीज जो आप कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कहीं आई जो है ग्रेटर देन जे तो नहीं हो गया। इनफैक्ट वो बराबर जे पे ही भागेगा वापस, और दूसरा फिर लेफ्ट ब्रेक करेगा वो, तीसरा वो राइट ब्रेक करेगा, और चौथा वो मर्ज करेगा। ठीक है ना? इतना तो बात आ गई समझ, तो सिंपल है ना? जी सर, कंडीशन चेक करो जी कि सर, एलिमेंट है कि नहीं। अगर एलिमेंट है तो फिर लेफ्ट ब्रेक करो। देखिए इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आएगा। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास हैं चलो 6 एलिमेंट लेते हैं, 6 5 4 3 2 1, सिंपल। ठीक है ना? ओके तो ये एलिमेंट मैं इस फंक्शन को भेजूंगा कि पहला इसका आई 0 होगा, और जे इसका जो है दिस इज 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो आई कितना होगा भाई साहब? आई इज 0 एंड जे इज हाउ मच? 5। सो पहली बार जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जो मेरी ये फंक्शन है मरी सॉर्ट वाली, इसको मैं आई भेजूंगा 0 और जे भेजूंगा 5। तो पूरी की पूरी एरे जो है इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये मेरा आई है चलेगी। और ये मेरा जे है। तो इसने कंडीशन चेक किया, कहीं आई बड़ा तो नहीं है जे से? नहीं, आई तो छोटा है जे से, 0 है, और जे कितना है? 5 है ना? तो क्या 0 बड़ा है 5 से? जी सर, 0 बड़ा है 5 से? नो नहीं। जी सर, तो उसका मतलब है कि नो एलिमेंट है, सर, हमें करना चाहिए काम, हमें ये वाला काम करना चाहिए जो फंक्शन में। तो पहला काम क्या कर रहे हैं हम? लेफ्ट साइड से तोड़ रहे हैं। लेफ्ट साइड तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं खुद को ही कॉल करके, किसी और को काम नहीं ला रहे, खुद को ही कॉल कर रहे हैं। तो जब पहली बार कॉल हुई थी, समझे मेरी बात, जो पहली बार कॉल हुई थी उसको तो सारी फंक्शन करनी है ना, उसको वन स्टेप वन से लेकर स्टेप फोर करना है जो पहली बार थी। लेकिन उसने दूसरी स्टेप पे ही कॉल मारा एक और ऐसी ही फंक्शन को। ये खुद को ही कॉल है लेकिन फंक्शन तो है ना अलग, जिसमें बराबर अपने 4 स्टेप्स होंगे। ठीक है? जब पहली बार इसने कॉल की, अब ऐसे मत मारो कॉल जो खुद को कॉल कर रहा है, मानो इसको कॉल की, अब इसको 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 भी 4 स्टेप्स करने। बराबर पहले में कंडीशन चेक करनी है, दूसरे में लेफ्ट ब्रेक करना है, तीसरे में राइट ब्रेक करना है, और फिर क्या करना है? मर्ज है ना? मैच तो इसके ऊपर करते हैं काम। तो इसने जब लेफ्ट काम किया, इसके लिए यहाँ पे पहला जो यहाँ पे जीरो जो जीरो आई आइटम यहाँ पे है वो मिड निकाल रहा है। वो क्या निकाल रहा है? मिड। तो कितना होगा मिड इस मिड बंदे के लिए? 0 + 5 / 2, व्हाट इज दैट? टू ही होगा ना? 4.5, 4.5, 2.5। 2.5, तो दैट विल बी टू। हम इंटीजर लेते ना, तो टू, सो मिड विल बी टू। दैट इज मिड इज दिस गाय, राइट? तो ये मेरा मिड। तो जी सर, ये क्या करेगा उसके बाद से? पहला कंडीशन जो पहली कॉल हुई थी, ये पहली कॉल है ना, ये वाली जो पहली कॉल हुई थी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये वाला है, ये पहली कॉल है ना। तो इसने जब पहली कॉल की, कंट्रोल जी, क्या इसने मिड निकाला? पहले क्या निकाला? मिड। कितना है मिड मिड? टू टू है टू मिड। तो कंडीशन पास हो गया क्योंकि 0 बड़ा है 5 से, तो कोई, क्योंकि 0 बड़ा 5 से है ना, तो कंडीशन जो सेट्स पे नहीं है, क्योंकि 0 बड़ा नहीं है 5 से, तो रिटर्न नहीं होगा बल्कि स्टेप नंबर 2 पे आएगा। स्टेप नंबर 2 पे क्या कर रहा है? इट इज कॉलिंग टू इटसेल्फ। इट इज कॉलिंग टू व्हाट? इटसेल्फ। और भेजेगा क्या? अब मैंने मुझे इटसेल्फ जो कॉल कर रहा है वो यही फंक्शन है, ठीक है, जिसमें बराबर वही 4 स्टेप्स। जब खुद को कॉल करेगा, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, उसके पूरे बार सारे स्टेप्स हैं, जो इसमें स्टेप थे वो सारे स्टेप इसी में है, क्योंकि यही फंक्शन है, इसकी कॉपी आ जाएगी, ठीक है, इस कॉल के लिए। लेकिन अभी इसका ये बैकलॉग है, इसका अभी राइट और ये मर्ज बैकलॉग है, ये अभी हुआ नहीं, क्योंकि इसने खुद को कॉल मारी, वो एक कॉपी आ गई ऐसे ही फंक्शन की, लेकिन राइट ब्रेक जो करना था और मर्ज जो करना था वो अभी मर्च बाकी है, वो नहीं होगा। वो अभी हुआ नहीं इसके लिए। तो इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक किया, हमने हमने देखा यहाँ पे ब्रेक करेंगे। इसने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया? इसने भेजा आई वैल्यू, भेजा इसने 0 इसको, और जे के बदले क्या भेजा? मिड।
जे के बल ने क्या भेजा, दैट इज टू। मिड मिड कितना है डेड इसको, तो टू, यानी कि जो नेक्स्ट वाली कॉल टू आएगी उसके लिए आई 0 है और जे कितना है, टू, यानी कि इसने इसको ब्रेक किया टू ऐसे 6-5-4 में, ये 0 है और ये 2 है, इसके इसके लिए ये एरे बन गई, तो हो गई ना ब्रेक इन लेफ्ट, है ना। जो ये पहली वाली एग्जैक्टली फंक्शन सर है उसके लिए अभी राइट ब्रेक करना, क्योंकि इसको राइट में भी ब्रेक करना है ना, इसका ब्रेक कर रहा है ना 3-2-1, जो राइट में बैठेगा वो अभी इसने किया नहीं, मर स्टेप इसने किया नहीं, लेकिन ये गया ना इधर, ठीक है। इधर जब ये गया, जब आई का वैल्यू कितना है इस वक्त, 0, और जे का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है, ये मिड निकालेगा। पहले 0 स्टेप में क्या निकालेगा, ये मिड, मिड कितना आएगा भाई साहब, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0 + 2 / 2 1 मान, जीरो दैट इज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, यानी कि ये इसका मिड है, ठीक है। ये कंडीशन चेक करेगा, व्हाट इज कंडीशन, जी सर कि आई ग्रेटर देन जे है कि नहीं, आई वन ने कितना है यहाँ पे, 0, जे कितना है, जीरो टू, जीरो जे है ना 2, क्या 0 है, टू कितना है 2, क्या 0 बड़ा है 2 से जी या बराबर है 2 से, नहीं है, हाँ 0 छोटा है, नहीं उसका मतलब है एलिमेंट्स है अभी काटने हैं हमें, ठीक है। तो ये जो ये वाली फंक्शन जो है, हाँ इसका मिड निकला यहाँ पे, इसका कंडीशन में ये फॉल्स निकला तो रिटर्न नहीं करेगा, और अब ये लेफ्ट ब्रेक करेगा, क्या करेगा, जब ये लेफ्ट ब्रेक करेगा, ये कैसे लेफ्ट ब्रेक करेगा, ये आई का वैल्यू भेजेगा 0, क्योंकि लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स मिड के लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला भेजो आप, इसमें लेफ्ट क्या है, ये भेजो आप, यानी कि आप भेजोगे जी क्या, आप आई का वैल्यू भेजो 0 और जे के बदले भेजो मिड का वैल्यू, मिड कितना है आपका 1, और 0 और 1 भेजो, यानी कि जब ये लेफ्ट ब्रेक करेगा, ये इन दो एलिमेंट्स को ब्रेक करेगा 6 और 5, इस वक्त आई 0 है और जे आपका 1 है, ओके। तो इसने कॉल की खुद को जी ही, इसने कॉल क्या की, खुद को ही, खुद अब वो को खुद वाली कॉल में यहां दिखा रहा हूं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 स्टेप्स हैं, 0 में मिड निकलेगा, 1 में कंडीशन चेक करेगा, इसमें लेफ्ट ब्रेक करेगा, इसमें राइट ब्रेक करेगा और इसमें मर्ज करेगा, ठीक है। तो इसने जब इसको कॉल की, ये खुद को ही कॉल करा, असल में इसी जो फंक्शन जो है पहली वाली है उसी की कॉपीज बन रही है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, लेकिन भेज क्या रहा है, ये इसको भेज रहा है आई का वैल्यू 0 और जे के बदले भेज रहा है 1, आई भेज रहा है 0, जे कितना भेज रहा है 1, इसने जब इसने वन कॉल की थी, इसने आई भेजा 0 और जे भेजा वही जो उसको मिड था, दैट इज 2, इसने भेजा, क्योंकि जब मुझे लेफ्ट ब्रेक करना है, ये मिड है, ये आई है, ये जे है, जो भी एरे है, अगर मुझे लेफ्ट ब्रेक करना है तो मेरे पास एक तो आई भेजूंगा मैं आई ही, ये 0 ही, लेकिन जे के बदले में मिड भेजूंगा, हो गया ना लेफ्ट ब्रेक। अगर राइट ब्रेक जी करना होता तो मैं जे जे ही भेजता, लेकिन आई के बदले क्या भेजता, मिड + 1, तो ये भेजता मैं आई, तो हो गया राइट ब्रेक, वो अभी तो, वो तो अभी हो ही नहीं रहा, वो बैकलॉग में, ठीक है। फिलहाल जब मैंने इसको कॉल की, आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है, बात में आ रहे हैं। सर तो जी जब सर ये वाली फंक्शन कॉल हुई, ये वाली फंक्शन कॉल होगी, ये पहले मिड निकालेगी, क्या निकालेगी, मिड, तो मिड कितना आएगा, मीट मिड आएगा 0 + 1 डिवाइड बाई जीरो वन प्लस वन टू डिवाइड बाई 2, दैट इज 0, मिड कितना आएगा, 0, यानी कि ये 0 है ना, ये है 1, तो जीरो दिस इज माई मिड, दिस इज माई वॉट, मिड 0, 0 था, नहीं कंडीशन क्या है, क्या आई ग्रेटर देन जे है ना, या बराबर, और इक्वल टू ये तुम, अगर आई, आई इस वक्त 0 है, जे कितना है, 1, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ना ही ये बड़ा है, तो अभी और ब्रेक करना फॉल्स है, क्योंकि अभी दो एलिमेंट्स है ना, ब्रेक करना है, तो ये लेफ्ट ब्रेक करेगा फिर से, यानी कि अब इस कंडीशन को, ये हो गया कंडीशन चेक हो गई, अब लेफ्ट ब्रेक करेगा, कैसे करेगा लेफ्ट ब्रेक, ये फिर से कॉल मारेगा अपने आप को ही, तो एक और कॉपी इसी फंक्शन की आ जाएगी, ठीक है, जिसमें 0 में मिड निकलेगा, फर्स्ट कंडीशन में कंडीशन चेक होगा, दूसरे में लेफ्ट ब्रेक, फिर तीसरे में राइट ब्रेक और चौथे में मर्ज, ठीक है। अब अपने आप को ही कॉल हो रही है, रिकर्सिव कॉल हो रही है, इस वक्त आई भेज रहा है ये 0 और जे के बदले क्या भेजेगा, ये मिड, मिड कितना है इस वक्त,
जीरो। जीरो ही भेजेगा, तो आई भी भेजा जीरो, जे भी भेजा जीरो। अब जब ये इस कॉल में आ गया तो इसने क्या भेजा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसने सिक्स भेजा, यहाँ पे क्या भेजा, सिक्स खाली, क्योंकि क्योंकि आई भी सिक्स। जीरो है जे भी जीरो है, आई भी जीरो है क्या है, जे भी है जीरो, तो इसने ब्रेक जीरो। किया। अब देखिए इसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, ये लास्ट एलिमेंट है ना, इसके बाद कोई एलिमेंट है छे को, नो तो सर। छे उसके बाद ब्रेक हो नहीं सकता, तो ये यहाँ पे कंडीशन आ गई। अगर आप इस वक्त देखोगे आई और जे का वैल्यू क्या है, सेम, तो ये कंडीशन तीन। फेल हो जाएगी। ये देखिए जब ये यहाँ पे आ जाएगा जीरो एंड दिस, इसने मिड निकाला, पहले मिड लिख लेगा जीरो जीरो को डिवाइड प्लस बाई जीरो टू, डिवाइड दैट इज जीरो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, बाय। क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, क्या वाली, ये जो वाली ये वाली कंडीशन कंडीशन है इसको ये ट्रू निकलेगी, क्योंकि ये क्या आई ग्रेटर देन जे है या बराबर जे के है, हाँ है, क्योंकि आई भी जीरो जे भी जीरो, हाँ तो इट शुड रिटर्न, इट शुड, तो इस है। वाली कॉल रिटर्न के लिए ये चीज होगा नहीं, क्योंकि ये रिटर्न कर गया, क्या कर गया, रिटर्न। जब ये रिटर्न करेगा ये कहाँ पे रिटर्न करेगा, जिधर इसको कॉल हुई थी, इस वाले को किधर कॉल हुई थी, इस वाले को इधर कॉल हुई थी ना, तो बिल्कुल ही रिटर्न होके उधर ही जाएगा जिधर कॉल हुई थी, तो उसके बाद वाली जो लाइन है अब ये करने करना चालू करेगा, ये अब इसके बाद वाली लाइन चालू करेगा, क्योंकि क्योंकि जब ये रिटर्न हो गया, अब इसमें इसने इतनी चीजें तो की थी, जो जो कि शेडेड पोर्शन है वो तो किया था, अब बचा क्या है इसमें, राइट ब्रेक और मर्ज, राइट ब्रेक और, तो पहले ये राइट ब्रेक राइट है, ये क्या करेगा अब, ब्रेक। ये इसने 1 0 1 2 तो किया था ऑलरेडी, और 2 पे इसने कॉल मारी थी इसको, ठीक है, उधर अब कंडीशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये रिटर्न हो गया, जब रिटर्न हो गया तो इसको आगे करना नहीं कुछ, इसने रिटर्न किया, रिटर्न करेगा एग्जैक्टली वहीं पे जहां पे कॉल हुई थी, तो वो 2 पे कॉल हुई थी। अब उसके बाद लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 करना है, लाइन नंबर 3 में क्या बोलता है, राइट ब्रेक करो, लाइन नंबर 3 में क्या बोलता है, राइट ब्रेक करो, राइट ब्रेक। राइट ब्रेक करना होगा मेरे को, तो मैं अपने आप को ही कॉल करूंगा, लेकिन अगर ये आई था और ये जे था और ये मिड था, जब लेफ्ट ब्रेक करना था मैं भेज रहा था आई और मिड, आई और, अब मैं क्या भेजूंगा, अब मैं भेजूंगा मिड जे प्लस वन और और जे, मिड प्लस वन और जे। मिड प्लस वन और जे, यानी कि मैं खुद को ही कॉल करूंगा, यानी कि जो मरीज शॉट मेरा है, जो मरीज शॉट है इसी को कॉल करूंगा, लेकिन भेजूंगा क्या, एक तो एरे भेजूंगा मैं इसको, और एक आई के और बदले में मिड मिड प्लस प्लस वन वन भेजूंगा, और जी। और जे तो जे ही भेजूंगा, और ये मिड प्लस वन वहां पे चला जाएगा आई में, जो कि मेरी कॉल है वहां पे उसके आई में, और जे जे में चला जाएगा। अब यानी कि जब मैं इसको भेज रहा हूं, इसको वापस राइट ब्रेक को मैं कॉल कर रहा हूं, क्योंकि अब ये राइट ब्रेक को कॉल करेगा, राइट ब्रेक जो है वो खुद को ही कॉल कर रहा है, जो राइट ब्रेक है वो किसको कॉल कर रहा है, कोई खुद को, वो खुद को ही कॉल कर रहा है, क्योंकि क्योंकि फंक्शन एक ही है, मरी सॉर्ट, जो मरी सॉर्ट है वही है, ये खुद को ही कॉल कर रहा है, यानी कि एक और ऐसी ही कॉपी इसको मिल रही है यहाँ पे, जो राइट ब्रेक है इसको ऐसी ही कॉपी मिल रही है, जो जैसी फंक्शन है वैसी, क्योंकि सेम मरी सॉर्ट फंक्शन है उसी को मैं कॉल कर रहा हूँ, और भेज रहा हूँ अब आई के बदले मैं उसको भेज रहा हूँ मिड प्लस वन, और जे जे ही भेज रहा हूँ, ठीक है, अब जे मेरा जो है उस वक्त जो था मेरे पास, इसमें इसमें क्या था, जे मेरे पास जो मेरा जे था वो जे ही रहेगा, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे जे कितना था, जीरो था इसमें, नहीं इसमें जीरो था, इसमें कितना था जे, जब यहाँ पे आया है वापस, इसमें जे सर था वन, जीरो ही जे था था ना वन। वन, हाँ और आई था जी। जीरो, आई जीरो था, तो मिड कितना था यहाँ पे, इस सूरत मिड जीरो कितना प्लस था, वन डिवाइड। वो जीरो था ना, तो मिड प्लस वन कितना होता है, वन, तो आई इज इक्वल टू वन, ये इसको वन और जे वन, यानी कि ये भेजेगा इसको वन वन, दैट इज वन वन मीन्स ये वाला बंदा, यानी कि 5 भेजेगा, हो गया इसका राइट ब्रेक, हो गया राइट ब्रेक, जी ठीक है, इसका राइट ब्रेक हो गया, तो यहां पे जब ये राइट ब्रेक करेगा इसमें, क्योंकि इसको भी यही यही कंडीशंस है कि मिड निकालो, फिर आप एक काम करो, आप कंडीशन चेक करो, फिर आप लेफ्ट ब्रेक करो, फिर राइट ब्रेक करो, अब राइट ब्रेक खुद को ही कॉल कर रहा है, जो राइट ब्रेक कर रहा है,
इसमें सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे करूंगा आप काम, क्योंकि कंफ्यूज आप ज्यादा हो जाओगे, कि ये जब राइट ब्रेक करेगा इसी तरीके से जो हमने अभी प्रोसीजर सीखा, कि जब हमने राइट ब्रेक किया इसने ये किया ब्रेक, इसने ये किया ब्रेक, जब राइट ब्रेक करेगा ये लास्ट एलिमेंट आ गया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वापस आ जाएगा, क्या आ जाएगा वापस, जब ये वापस आएगा फिर ये इसके राइट में चला जाएगा, इसका ये जो ये वाला बंदा है इसका लेफ्ट तो हो चुका ब्रेक, अब इसका राइट ब्रेक होगा, दैट इज हाउ मच, उसके पास एक ही एलिमेंट है फोर, तो फोर ब्रेक हो जाएगा, ये 6 5 एंड 4 हो गया ब्रेक फोर, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये फोर ब्रेक हो रहा है लास्ट में, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है राइट में, तो ये वापस आ जाएगा इसके ऊपर यहाँ पर, क्योंकि इसका सारा लेफ्ट जी ब्रेक हो चुका है, एक एक एलिमेंट 6 5 4 हो गया ना, अब 3 2 1, अब ये जी इस का राइट ब्रेक करेगा, दैट इज इसको राइट ब्रेक करेगा 3 2 1 में, फिर ये अपना लेफ्ट ब्रेक करेगा दैट इज 3 2, और ये फिर अपना लेफ्ट ब्रेक करेगा 3, ये वापस आके राइट ब्रेक करेगा 2, फिर ये वापस आके इसका राइट करेगा टू दैट इज 1 यहाँ पे, क्योंकि 3 भी हो गया 2 भी हो गया या 1 भी, यानी कि अगर हम कुल मिला के एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी सिंपल से एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर अगर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 6 5 4 3 2 1, ठीक है 6 एलिमेंट्स है, ये पहले क्या करेगा, इसकी दो हिस्से करेगा, ठीक है मानो इसने दो हिस्से किए, 6 5 4 गया इधर, 3 2 1 गया इधर, दो हिस्से करेगा, असल में ये पहले ऐसे नहीं करेगा, ये पहले ये अगर हम देखेंगे ये एक एक करके करेगा इसको, पहले ये लेफ्ट लेफ्ट करता जाएगा, वो बैकलॉग में रहेगा राइट वाला, पहले इसमें लेफ्ट ब्रेक होगी, यानी कि 6 5 4 लेफ्ट ब्रेक हो गया, अब इसका लेफ्ट ब्रेक होगा दैट इज 6 5, फिर इसका लेफ्ट होगा दैट इज 6, फिर यहाँ पे आके 5 करेगा सिक्स ब्रेक, है ना, तो केएस ने 5 ब्रेक, फिर ये वाला जो बंदा है वो अपना करेगा एंड सो ऑन, फिर ये वापस आएगा एंड करता जाएगा, यानी कि कुल मिला के पहले इसके दो हिस्से होंगे 3 2 1 इधर, ये लेफ्ट और ये इसका राइट, फिर ये इसमें 6 5 और 4 करेगा ब्रेक, और इसको 3 2 और 1 करेगा ब्रेक, फिर ये इसमें 6 5 और 4 को ब्रेक करेगा, फिर ये अपना 3 और 2 और 1 को ब्रेक करेगा, ऐसे तो कुल मिला के लास्ट में 6 5 4 3 2 1 अकेला अकेला एलिमेंट आएगा, जब ये अकेला अकेला एलिमेंट आएंगे पूरा ब्रेक हो गया, लेफ्ट भी ब्रेक हो गया राइट भी ब्रेक हो गया, अब ये मर्ज करेगा, अब क्या करेगा मर्ज, यानी कि जी मेरा एल्गोरिदम जो है वो ऐसे काम कर रहा है कि अगर मेरे पास 6 5 4 3 2 1 एलिमेंट्स हैं जिसको सॉर्ट कर रहा है, तो ये इनको ब्रेक कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, पहले लेफ्ट 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 ब्रेक कर रहा है, फिर राइट 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 ब्रेक कर रहा है, जब लेफ्ट और राइट ब्रेक दोनों हो गए पूरे से, तो लास्ट में मुझे एलिमेंट्स ऐसे आएंगे 6 5 4 3 2 1 अलग अलग एलिमेंट्स ब्रेक ब्रेक करके, ठीक है ना, सर, तो कुल मिला के मेरे लास्ट में जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो बिल्कुल सारे अलग अलग एलिमेंट्स मुझे आ गए, अब मुझे मर्ज करना है, अब मुझे क्या करना है मर्ज, मर्ज करने के लिए मैं क्या करता हूँ काम, मैं इन दो को मर्ज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, तो मैं देखूंगा 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, भाई साहब छोटा कौन है, क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मैं देखूंगा भाई साहब 5 तो छोटा है, इसलिए 5 इधर रखो और 6 इधर रखो, ठीक है बस, में आ रही है, आ रहे नहीं आ रही है, अच्छा, आपको इनको ठीक कंपेयर करना है। है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अब ये इनको कंपेयर करेगा, दिखेगा 5 छोटा है 6 इधर जाएगा, ठीक है, अब इन दोनों की बारी है, ये जो वाली है ये वाला तो हो गया, ये लेवल हो गया, अब इन दोनों की बारी है, अब इसमें देखेगा पहले 4 को कंपेयर किया 5 से, 4 इधर जाएगा, ठीक है, अगर ये वाली एरे खत्म हो गई, ये छोटी वाली एरे क्या हो गई खत्म, फिर जितने भी इसमें एलिमेंट है वो चिपका दो इधर 5 एंड 6, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, ये तो अब सॉर्टेड है, अब अगर ये वाली एरे खत्म हो गई 4 5 6 इधर आ जाएगा, 4 आ गया इधर 4 5 6 इधर, ठीक है, इस तरीके से यहां से आ जाएगा, अब 3 एंड 2, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, तो 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, ठीक है, अब ये वाह, 2 3 इस 1 के साथ कंपेयर करेगा, अब ये 2 3 किसके साथ करेगा कंपेयर, 1 के साथ, तो पहला कंपेरिजन लगेगा 1 और 2 को, चूंकि 1 छोटा है तो 1 आएगा इधर, ये ओवरराइट हो जाएगा, अब चूंकि ये जो 1 है इसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसको तो कंपेरिजन किसी से करना ही नहीं, अब तो ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे चिपकाने हैं, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, सो 1 2 3 इधर आएगा, अब
इस एरे और इस एरे को कंपेयर लगेगा, वन को पहले फोर के साथ लगेगा, वन छोटा कि फोर छोटा, वन छोटा पुट वन हियर। अब यहाँ ये फोर ही है अभी क्योंकि इसका कंपेरिजन करना है। अब टू, क्या टू छोटा कि फोर छोटा, टू छोटा तो टू पुट टू हियर। अब थ्री छोटा कि फोर छोटा, तीन छोटा तो तीन पुट हियर। अब ये वाली एरे खत्म हो गई तो इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स अब बढ़ा चुकाने इधर, फोर फाइव सिक्स, एंड एट द एंड इट इज सॉर्टेड। ठीक है, बस में आई। तो दिया। अभी मैं आपको एक यस गोटा दिखा सर, रहा हूँ, भी प्रोग्राम वोग्राम कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, ना सीडो कोडी दिखा रहा हूँ। मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा था, कॉन्सेप्ट क्या मसला है। कॉन्सेप्ट मेरा सिंपल है कि अगर मेरे पास एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन होगी, पहली जो इसको भेज रहे हैं, जो इसके ये सिग्नेचर्स हैं वो इंटीजर ए आर एरे है, और इंट आई और इंट जे। ठीक है, जो आई एंड जे है, जो मेरी अगर एरे ये है तो आई पहला वाला होता है, जे लास्ट वाला एलिमेंट होता है। तो पहला काम मैं यहाँ पे मिड निकालूंगा, दैट विल बी आई प्लस जे डिवाइडेड बाई टू डिवाइड बाय आर। टू। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन ये हो और गया इक्वल जीरो स्टेप, ये हो गया वन स्टेप, है ना। अगर आई ग्रेटर देन जे है तो रिटर्न करो, और रिटर्न ही वही करेगा जहाँ कॉल होगी। ये जो रिकर्शन होते हैं ना वो कॉइल करती है, जैसे आप एक टॉय होता है ना उसको चाबी करते हो, है ना, आप उसको कॉइल 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 करते हो ना, फिर वो अनकॉइल होता है, वापस आ जाता है जिससे वो चलता है। इसे रिकर्शन है, बराबर। आप कॉल कर रहे हो, फिर से कॉल कर रहे हो, फिर से कॉल कर रहे हो, जब एक एलिमेंट मिला लास्ट में, एलिमेंट जो मिलेगा कि लास्ट एलिमेंट होगा उस वक्त आई जे के बराबर होगा, तो यहाँ इक्वल टू लिखना पड़ेगा। आई अगर ग्रेट जे के ग्रेटर देन होता है, रिटर्न करेगा, ये वापस आएगा। वापस कहाँ आएगा? उसके पहले वाले स्टेप में। जो ही ये पहले वाले स्टेप में आएगा, ये उसका लेफ्ट ब्रेक करेगा, उसके बाद राइट ब्रेक करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे लेफ्ट ब्रेक करना है। तो लेफ्ट ब्रेक करने के लिए मैं खुद को ही कॉल करूंगा, मर्ज सॉर्ट को ही भेजूंगा, वही एरे जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। अब आई ही भेजूंगा लेफ्ट में, तो आई ही भेजूंगा मैं, लेकिन जे की जगह क्या भेजूंगा मैं? मिड। ठीक है, तो जब इसने लेफ्ट 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 ब्रेक किया, ये वापस आएगा, फिर लास्ट में जब ये कंडीशन इसको फॉल्स हो ट्रू हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद उसने ये तीनों स्टेप किए होंगे, उसके बाद मैं खुद को ही कॉल करूंगा लेकिन भेजूंगा राइट साइड। इंट ए आर क्या भेजूंगा? आई के बदले क्या भेजूंगा अब? मिड प्लस वन। और भेजूंगा ओके जे, जी। क्योंकि ये जो कॉल हो रही है ना आई, ये इस आई में घुस रहा है और ये मिड इस जे में घुस रहा है। अब मेरा जो नेक्स्ट आइटरेशन, जो मेरी नेक्स्ट रिकर्शन का जे बनता है ना, वो मिड बन रहा है। यानी कि अगर ये मिड है, जो नेक्स्ट आइटरेशन में जे कौन बन रहा है? मिड। यानी कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये आई मेरा, ये जे मेरा, ये। तो अब मेरी जो नेक्स्ट एट्रेशन है उसमें ये वाली लेफ्ट एरे हो रही है, राइट एरे को भी मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो बैकलॉग में रह रही है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, लास्ट वाला एलिमेंट आएगा, तो फिर ये राइट वाला ब्रेक करेगा। ठीक है ना, और जो ही मेरा ये सारा किस्सा खत्म होगा, जब राइट और इसने सारे राइट लेफ्ट सारे ब्रेक किए, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मर्ज। उसके बाद क्या करूंगा मैं? मर्ज। उसको मैं मर्ज भेजूंगा यहाँ पे कॉल भेजने के लिए, इंट नहीं लिखते, ठीक है, भेजने के वक्त इंट नहीं लिखते, भेजने के वक्त सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं। जब पकड़ेंगे फंक्शन में उस वक्त वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मर्ज को कॉल करूंगा और इसको मैं भेजूंगा एरे, और उस वक्त का जो आई होगा और उस वक्त का जो जे होगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि कौन से। जैसे अगर मेरे पास एरे है, जैसे सेवन सिक्स एट नाइन है, तीन एलिमेंट्स या चार एलिमेंट्स मेरे पास है, तो मर्ज सॉर्ट लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट ब्रेक करेगा ये, दैट इज सिक्स एंड एट। क्योंकि लेफ्ट कैसे ब्रेक करेगा? ये जीरो था, ये मिड था, और ये जे है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन जो है उसमें जीरो तो जीरो ही रहेगा आई वैल्यू, लेकिन जे के बदले क्या जाएगा? मिड। तो सिक्स एंड एट ब्रेक होगा, फिर से कॉल होगी, ये अपने आप को ब्रेक करेगा सिक्स में, फिर ये वापस, जब ये सिक्स आ गया, अब आई भी जीरो जे भी जीरो इसके लिए, तो उस वक्त ही वापस आएगा, उस वक्त ही अपना मर्ज सॉर्ट राइट करेगा, तो राइट में ये ब्रेक करेगा एट को। ठीक है, फिर ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तो इस पोजीशन पे आ गया, जब इसने सिक्स सेट किया था, अब इसका राइट ब्रेक होगा, यानी कि ये वाला स्टेप। तो मर्ज, यानी कि ये जीरो था, ये वन है, ये टू है, ये थ्री स्टेप है, और ये फोर स्टेप है, ये थर्ड स्टेप करेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा? ये नाइन एंड फोर को ब्रेक करेगा, फिर ये अपना लेफ्ट करेगा, दैट इज नाइन। फिर जब खत्म हो जाएगा ये, अब इसका राइट करेगा, दैट इज फोर। फिर
अब सारे जब ब्रेक हो गए, अब मर्ज लगेगा उस वक्त के आई और जे के लिए। तो जब 6 होगा और 8 होगा, इन दोनों को आपस में मर्ज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन बड़ा कौन छोटा है। क्योंकि 6 ही छोटा है तो वही रहेगा, 8 यहाँ है तो ऐसे ही रहेगा जैसे है, ठीक है। उसके बाद ये इस पे आ जाएगा, 9 और 4 को मर्ज करेगा, तो 9 और 4 में 4 चूंकि छोटा है, 4 इधर आएगा और 9 इधर आएगा। फिर ऊपर आएगा, फिर उसमें 6 और 8 में, चूंकि 6 और 8 और 4 और 9 पे, तो 4 छोटा है, सबसे छोटा 4 है, पहले कंडीशन लगेगा 4 और 6 के ऊपर कंपैरिजन लगेगा, 4 छोटा है तो 4 यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका जो है 4 तो हो गया, अब 9 और 6 को कंपैरिजन लगेगा तो 6 इधर आएगा। उसके बाद 8 और 9 को कंपैरिजन लगेगा तो 8 इधर आएगा और 9 यहाँ पे आएगा और ये शॉर्ट होगा। तो कुल मिला के ऐसे काम करेगा, ठीक है। इसका प्रोग्राम हम करेंगे कल, इसका सीडो कोड भी और प्रोग्राम भी हम कल करेंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम ही करेंगे डायरेक्ट कल, अब तो मसला ही नहीं है। अब मुझे आप पहले ये बताओ कि जो मैंने मर्ज सॉर्ट कहा उसमें मैंने कहा 4 स्टेप लगते हैं ना? पहला कंडीशन जीरो जीरो क्या है, पहले जीरो आई। मिड को निकालो, पहले अच्छा मिड हाँ निकले, पहले क्या निकलेगा? मिड। यहां पे मिड क्या होगा? इंट ए आर, इंट आई और इंट, पूरा आई इंट जी और आई जी क्या है? स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एरे। जी सर और पहला क्या, पहला काम क्या निकालोगे? मिड। मिड फिर 1 स्टेप में क्या करोगे आप? इफ कंडीशन, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। कंडीशन चेक इज आई इज ग्रेटर देन जे और नॉट। अगर आई ग्रेटर देन जे या बराबर जे के आ गया तो क्या करना चाहिए? तो आगे मत चलो क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट रिटर्न है, करना चाहिए। लास्ट एलिमेंट है, वापस चलो अपनी जगह, और फिर वो अपना राइट या लेफ्ट ब्रेक करेगा उस हिसाब से। तो स्टेप सेकंड क्या है? लेफ्ट ब्रेक लेफ्ट। लेफ्ट ब्रेक ब्रेक लेफ्ट कैसे करेगा? वो अपने आप को ही कॉल करेगा इसी को, तो उस वक्त भेजेगा वो आई का वैल्यू वही जो आई का वैल्यू था, दैट इज 0, लेकिन जे के बदले क्या भेजेगा? मिड जे के बदले भेजेगा मिड मिड, जे के बदले मिड भेजेगा। जब वो वहां से आएगा फिर थर्ड स्टेप होगा ब्रेक राइट। ब्रेक राइट में क्या भेजेगा आई के बदले आई क्यू मिड प्लस वन। अच्छा और जे के हाँ बदले, आई जे क्यू के बदले जे जे। की जगह जी जब वो राइट लेफ्ट सारा ब्रेक हो गया उसके बाद क्या करना चाहिए मेरे को? मर्ज। मर्ज किसको करना चाहिए? उस वक्त के आई को और उस वक्त के जे को। यानी कि उस वक्त का आई जो है वो इसके साथ होगा और जे इसके साथ होगा, आई इधर होगा जे इधर होगा, इनको आपस में मर्ज करना है, मर्ज करना डिपेंडिंग अपॉन कि कौन छोटा है। अगर असेंडिंग है तो छोटे पे कॉल करेंगे, अगर बड़ा है तो, अगर बड़े पे कॉल करिए ठीक है ना? ठीक जी है, समझ सर में आई बात? इसके ऊपर जी आप एक सर ध्यान, ये आप अभी आपको पूरा भी समझ नहीं आएगा, प्रोग्राम करेंगे फिर समझ आएगा आपको, लेकिन रिकर्शन एंड ऑल यू शुड वर्क ऑन दैट, कि रिकर्शन कैसे काम करता है। फिर बाकी जो प्रोग्राम है, मैं कह रहा हूँ इसने कॉल की खुद को और बाकी भी बैकलॉग में थे उनको वापस करना है, उसके बाद ना वापस रिटर्न होके आएगा। तो मतलब रिकर्शन ऐसा चीज है कि सिंपल मैं बताऊंगा आपको, रिकर्शन लाइक दिस, कि मैंने आपको कहा कि आप दूध पियो, उसके बाद मैं कह रहा हूँ आपको चाय पियो, और उसके बाद कह रहा हूँ बिस्किट खाओ, ठीक है? क्लास में आ रही जी है? जब आप सर दूध, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, मानो ये कोड है, पहले दूध पियो फिर चाय पियो और बिस्किट खाओ, ठीक है ना? लेकिन जब आप अपने दूध पिया, जब आप चाय पीते हो, आप खुद को ही कॉल कर रहे हो, तो इसी की एक कॉपी बन रही है। लेकिन जो पहला वाला था उसमें आपने दूध पिया था, और जब आप चाय पी पिया आपने, लेकिन अभी बिस्किट खाना बाकी था, है ना? और आपने दूसरी कॉल कर दी, उसमें आप दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, और फिर से कॉल हो रही है, ऐसी एक और कॉपी बन रही है। तो 3 कॉपीज है, 1 2 3, इसका भी बिस्किट बाकी है, इसका भी अभी बिस्किट बाकी है, और इसका आप अभी कर रहे हो, ठीक है? और ये यहां से रिटर्न हो गया। अब ये जो जब रिटर्न हो गया तो अब ये उसके बाद एक चीज करेगी नहीं कोई काम, क्योंकि इसने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न जब कर दिया, ये इस दूसरी वाली पे आएगा, अब उधर बिस्किट खाना बाकी है, पहले वो बिस्किट खाएगी वो, ठीक है? जब फिर ये खत्म जब हो गई तो ये रिटर्न होके वापस आएगी किसके पास? पहले वाले के पास। और जो भी उसके बाद पेंडिंग वर्क होगा वो सारा काम करेगी पहले। बस मारे, फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही है, और इसी को कॉल कर रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भेज के, लेकिन कॉल इसी को हो रही है। तो जिधर बीच में कॉल हो रही है ना खुद को, उसके बाद वाला कोड जो होता है वो पेंडिंग रहता है,
लेकिन वो होगा जब रिटर्न होगा, जब मल्टीपल कॉपीज आपने की, जिस कॉपी पे रिटर्न होगा वो वापस आएगी इधर, फिर वो पेंडिंग काम करेगी सारा, जो भी पेंडिंग काम था वो सारा करेगी उस वक्त, फिर वापस आके इसमें जाएगी जो नेक्स्ट से पहले वाली कॉल थी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये वापस आ जाएगी अपने ऊपर, लेकिन जो भी पेंडिंग काम था वो सारा करेगी। ठीक है, रिकर्शन के ऊपर काम करो, तब जाके आपको ये समझ आएगा, और कल इसका कोड करेंगे हम इंशाल्लाह। जी मंडे, सर, कल कितने बजे क्लास होगा? कल तो संडे वैसे, ठीक है कल देखेंगे, जी क्योंकि सर, मंडे मंडे मॉर्निंग मुझे जाना है, काम है मेरे को, ठीक है, तो मंडे तो बिफोर नून में अवेलेबल हूँ नहीं, तो उसमें भी या तो ऑनलाइन क्लास होगी या देखेंगे उसको क्या करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप रिकर्शंस पे काम करो, ओके किस सर, पे? यू गाइज विल वर्क ऑन रिकर्शंस, और आपको रिकर्शंस। जो 3 सॉर्ट्स मैंने दिए थे, जो हमने किए, बाय बबल सॉर्ट, इंसर्शन एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन। सिलेक्शन सॉर्ट, ये 3 सॉर्ट्स आप बिल्कुल दिमाग में रखो, ठीक है, इनको रिवाइज करो और मैं पूछूंगा आपको मंडे, ठीक है ना? ओके तो सर, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है किसी चीज में, उस वक्त मेरे आपको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और मैं उसको समझाऊंगा आपको, अगर वो आपके भी प्रॉब्लम है, लेकिन 3 पक्के तरीके से करेंगे, ठीक है जी? ओके सर, ऑन मंडे यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट, इज दैट क्लियर? कहीं यस सर, पे प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। सलाम।